नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, यहाँ ICR डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च कुंभ अनुसंधान निदेशालय में पेडिस्ट्रा कुंभ, जिसे हम लोग बॉलबरेला बल्बेशिया के नाम से जानते हैं, उस पर कार्य कर रहा हूँ। बॉलबरेला बल्बेशिया को स्ट्रॉ मशरूम भी कहा जाता है और इसे चाइनीज मशरूम भी कहते हैं। चाइनीज मशरूम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पहचान सर्वप्रथम चीन में की गई थी और हमारे भारतवर्ष में इसकी खेती 1940 में से शुरू की थी और सर्वप्रथम इससे हमारे दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में इसकी खेती शुरू करी थी और वर्तमान में इस मशरूम की खेती हमारे जितने भी समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल रीजन्स हैं, उनमें सर्वाधिक की जाती है और मुख्यतः हमारे जो उड़ीसा का राज्य है और आपका इसके जो साथ में लगने वाली जो स्टेट्स हैं उनमें भी इस मशरूम की खेती काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, काफ़ी पॉपुलर है और इससे लोग काफ़ी मुनाफा इससे कमा रहे हैं। तो दूसरा, इस मशरूम की जो पॉपुलैरिटी है उसके पीछे कुछ कारण हैं, जैसे इसकी पौष्टिकता और इसका टेस्ट। जितनी भी हमारे देश में कुंभ उगाई जाती है उनमें सबसे टेस्टियस्ट मशरूम इसको माना जाता है। इसका जो टेस्ट है आपका लगभग जो आपका जो चिकन जो नॉन वेज खाने वाले लोग हैं उनको उनको उनके टेस्ट के अनुसार है और इसी कारण इसको नॉन वेजिटेरियन लोग जो हैं वो भी बहुत पसंद करते हैं और वेजिटेरियन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। इसमें 38% से ऊपर आपका फ्रेश वेट बेसिस पे इसमें प्रोटीन पाया जाता है जो कि इसकी गुणवत्ता को दर्शाता है, क्योंकि हमारे जितने भी जो वेजिटेरियन फूड है उसमें अधिकतर हमारे उसमें भोजन में जो प्रोटीन की कमी पाई जाती है। तो इस मशरूम को उपयोग करने से हम लोग उस अपने शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इस मशरूम का गुणवत्ता के साथ साथ जहाँ पॉपुलर है और जहाँ हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अच्छी हैं, वहाँ इसकी कल्टीवेशन भी बड़ी साधारण तरीके से और बहुत ही इजीली जो हमारे ग्रोज हैं वो कर लेते हैं। तो अब हम इसके जो किस प्रकार से हम लोग इस मशरूम को इसकी खेती कर सकते हैं और इसके लिए किन चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे किसी भी फसल को उगाने के लिए सर्वप्रथम हम लोगों को ज़रूरत होती है जो आपका प्रमाणित बीज है। अगर बीज अच्छा होगा तो उसके होने वाला उससे होने वाला उत्पादन भी अच्छा होगा। तो हमारा जो बॉलबरेला बॉलबेशिया है इसका जो बीज बनाने की विधि है वो लगभग दूसरी मशरूम की जो फसलें हैं उनकी बीज बनाने वाली विधि से बिल्कुल भी मिलती जुलती है, उसी की तरह की होती है। इसको भी हम लोग जो गेहूं के भीगे हुए दानों पे इसके बीज इसके कुकजाल को फैलाते हैं, उसके बाद इसको हम लोग इनक्यूबेटर में रख देते हैं इनक्यूबेटर में। लेकिन इसका जो भिन्नता है, जैसे हमारा जो इनक्यूबेटर में जो तापमान होता है हमारी, क्योंकि जो आपका बॉलबरेला बॉलबेशिया है ये आपका ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल मशरूम है, गर्म एरिया की मशरूम है, इसे इसके लिए जब हम लोग इसको ग्रो करते हैं चाहे इनक्यूबेटर में रखते हैं या बाहर इसको वातावरण में जब हम लोग उगाते हैं तो इसको थोड़ा सा अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बात कर रहा था आपके इसका स्पॉन कैसे तैयार करना, कैसे बीज तैयार करना, तो जब हम लोग गेहूं के दाने के ऊपर जब इसका बीज मिलाते हैं इसमें दो चीज़ें और डलती हैं, जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, इसको आप 2-2% के हिसाब से आप अपने भीगे हुए गेहूं के दानों पे इसको मिला के इसको पाश्चराइज किया जाता है, शुद्धिकरण इसका होता है जैसे जो रूटीन वाली विधि है ऑटोक्लेव से उसमें करके। जब पूरा पाश्चरीकृत हमारे जो बीज हो जाते हैं उसके बाद हम लोग इसका जो मशरूम का जो फंगस है इसके ऊपर उसके बीज के गेहूं के दानों पे इसको रखते हैं और इसका इनक्यूबेशन का जो टेम्परेचर है वो आपको
32 डिग्री सेल्सियस इसका रखना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पे ग्रो होता है और आपका 8-10 दिन में एक पूरा का पूरा जो आपका गेहूं के दाने होंगे उसको कवर कर लेता है और आपका स्पॉन तैयार हो जाता है। एक विधि तो ये है कि आप इसको गेहूं के दाने पे इसका बीज तैयार करें। उसका इसके अलावा हम लोग जो पैडी स्ट्रा है आपका पॉली है उसके टुकड़ों के ऊपर भी इसके बीज तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो गेहूं से बना हुआ स्पॉन है उसी से फर्दर हम लोग उसको पेडिस्ट्रा के टुकड़ों पे उसका बीज तैयार कर सकते हैं। जो उसको तैयार करने वाली विधि है, किस प्रकार से क्या उसमें सामग्री डलेगी और कितने तापमान पे हम लोग इसको इनक्यूबेट करेंगे, इनक्यूबेटर में रखेंगे, कितने दिन के लिए रखेंगे, वो बिल्कुल सेम है जैसे अभी मैंने बताया आपके इसको गेहूं के दाने वाला है। तो ये हमारी विधि है किस प्रकार से हम लोगों ने इसका बीज तैयार करना है। दूसरा बात आती है कि सबस्ट्रेट किस प्रकार का इसको भूसा है, क्या हमारा जो एग्रोवेस्ट है इसको इसकी आवश्यकता होती है जिसपे हमारा जो बोलवेरेला बोलवेसिया है, पेडिस्ट्रा मशरूम है, इसको हम लोग उगा सकते हैं। एक तो पेडिस्ट्रा मशरूम है तो पेडिस्ट्रा इसका सबस्ट्रेट है। दूसरा एक इसके लिए बेहतरीन सबस्ट्रेट है आपका जो आपका कॉटन जीनी मिल वेस्ट होता है, जैसे जो जैसे कॉटन की फैक्ट्री से जो वेस्ट आता है उस पर भी बड़ा अच्छा उगता है, लेकिन जो कॉटन वेस्ट से हमारा मतलब है जो बिल्कुल जो उसकी डस्ट फाइन जो हल्का काले रंग का होता है थोड़ा सा, वो इसके लिए सबसे अच्छा बेहतर एक सबस्टेट है। दूसरा आपका जो बनाना लीव्स होते हैं, बनाना के जो वेस्ट होता है, आपका शुगर केन वेस्ट होता है, उस पर भी हमारा जो बोलवेरेला बोलवेसिया है, पेडिस्ट्रा मशरूम है, वो अच्छा उगता है। दूसरी बात आती है कि उसका हम लोग जो एग्रो वेस्ट है, जो हमारा सबस्टेट है, उसको कैसे तैयार करें। जो इसमें 2-3 विधि हैं जिसके तरीके से हम लोग अपने जो सबस्टेट है उसको तैयार करते हैं। जैसे जो साधारण विधि है जिसको जनरली हमारे जो कोस्टल रीजन वाले जो छोटे किसान हैं वो उस विधि से इसको तैयार करते हैं। तो तैयार करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट है, जो जैसे पेडिस्ट्रा है या कॉटन है, इसको हम लोग जो साधारण विधि में इसको सिर्फ हम लोग गीला करते हैं। 12 घंटे तक इसको आप गीला करोगे, जब आप देख रहे हैं कि हमारे जो सबस्ट्रेट है, जो भूसा है, उसने पूरे तरीके से पानी को सोख लिया है, तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, उसको थोड़ा सा उसका जो पानी ज़्यादा पानी है उसको थोड़ा निकालना है और इसको हम लोगों ने 65% नमी जो है उस वाले दायरे में इसको लाना है सुखा के। और उसका हम लोग कैसे देखेंगे कि हमारे जो नमी है वो आपका इस स्तर की हो चुकी है, तो आप थोड़ा सा सबस्ट्रेट हम लोग लेते हैं तो उसको थोड़ा सा हम लोग अगर निचोड़े, अगर उसमें से पानी की बूंदें बहुत ज़्यादा नीचे टपक रही हैं तो इसका मतलब उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, अब इसको और थोड़ा सा सुखाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से साधारण विधि के अंदर जब हमारा इस तरीके से आपका सबस्ट्रेट भीग के इसमें पूरा नमी जैसे 62-65% नमी हो जाती है, तो इसका मतलब हमारा जो सबस्ट्रेट है वो अब तैयार है, इसके अंदर आप बीज डाल सकते हैं। और साधारण विधि में जैसे वही आपका 1.5% के हिसाब से जो गीला भूसा है उसके हिसाब से, सबस्ट्रेट के हिसाब से आप इसमें बीज डालेंगे। बीज डालने के भी 2-3 तरीके हैं, जैसे अगर आपने भूसे के मान लो जैसे पेडिस्ट्रा के अगर बंडल बनाना है तो आप इसके बंडल भी बना सकते हैं। आप इसका जिसका बंडल बनाने के लिए आप 15 सेंटीमीटर इसका जो डाया रख सकते हैं बंडल का, और इसका लेंथ आप इसका 60-90 सेंटीमीटर इतना इस तक जा सकते हैं जो बंडल की लेंथ है। और एक और चीज़ है जैसे बेड का साइज है, वो हम लोग विंटर में थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं और समर में थोड़ा आप इसको कम कर सकते हैं ताकि आपका जो टेम्परेचर है और नमी है उसमें बेहतरीन उसमें बनी रहे। तो जब आप हम इसमें स्पॉन डाल देते हैं आपके बंडल में या आपके बेड में, तो इसको उसके बाद हम लोग इसको पॉलीथीन से पूरा इसको रैप कर देते हैं, कवर कर देते हैं, और कवर करने के बाद इसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो तापमान है इसको आपका 32-34 डिग्री सेल्सियस इस तरीके से इसको उस कंडीशन में उसको रखते हैं। और पूरा का पूरा लगभग अगर आपका बीज सही है और तो आपका 7 दिन
पर ए जो है पूरा का पूरा आपका कोकजाल आपके पूरे बेड और उसको बंडल को कवर कर देता है। और उसके बाद जब ये चीज हो जाती है तो आप पॉलिथीन हटाइए और उसका ऑब्जर्वेशन लीजिए कि आपके बेड जो है जब हाई तापमान है तो उसमें सूखा तो नहीं है। तो उसमें आप क्या करते हैं कि उसमें थोड़ा सा स्प्रे आप पानी की बिल्कुल लाइट उसमें स्प्रे जो है पानी की आप दे सकते हैं ताकि उसको आप क्या कैसे कर सकते हैं कि उसमें पानी की नमी की मात्रा पूरी हो जाए। दूसरा उसको एज ए शॉक भी आप दे सकते हैं कि जैसे जब आप पानी का हल्का बिल्कुल लाइट स्प्रे सराउंडिंग के देंगे बेड और बंडल के तो उसमें आप क्या देखोगे कि उसमें जो आपका क्वक जाल है क्वक जाल से आपके पिनिंग और छोटा छोटा जैसे सुई होती है उसके हेड की तरह छोटे छोटे चीजें उसमें मशरूम उसमें फूटना लगेगा। और अगले 4 दिनों में आपका पूरा का पूरा साइज का जो बॉलबेरेला का फ्रूट बोटी होता है वो आपके बेड के साइडों से निकलना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग फंगस है, बहुत जल्दी ये उगता है और अगले 10 दिन में ही आपको ये पूरा का पूरा फसल आपको दे सकता है। तो हमारे निदेशालय के पास भी काफ़ी अच्छी प्रजातियां इसकी किस्में उपलब्ध हैं जो आपको 40% की भी बायोलॉजिकल एफिशिएंसी आपको इससे जो है पैदावार इतना तक के वो हमारी किस्में जो है प्रदान कर सकती है। और दूसरा जैसे अभी मैंने बात करी आपका बंडल मेथड आपका बेड मेथड, बेड का साइज जो है आप इसको ले सकते हैं कि आपका 2 से 2.5 क्यूबिक फीट का इसका साइज का जो है जनरल इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। और ये तो आपका साधारण विधि होगी किस तरीके से हम लोग करते हैं डिपिंग करी और उसके बाद आपने इसमें बीज डाल दिया। दूसरी बात आती है कि जैसे इसमें एक और मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंपोस्टिंग का मेथड। जैसे साधारण विधि में आपका कुछ नहीं किया आपने सिर्फ उसको जो है गीला किया, गीला करने के बाद उसको थोड़ा सुखाया और बीज डाल दिया। और सेमी कंपोस्टिंग और इंडोर मेथड में आपका 2-3 दिन तक हम लोग इसकी सेमी कंपोस्टिंग इसकी करते हैं आउटडोर में और उसके बाद फिर इसका प्रोसीजर होता है पास्चराइजेशन का जो कि कमरे में ही करते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो इम्प्रूव्ड मेथड है और मेथड ऑफ सेमी कंपोस्टिंग है वो क्या चीज़ है। तो जैसे मैं आपको 500 केजी पेडिस्ट्रा या आपका कॉटन वेस्ट है उसके लिए ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। हम लोग इसको मान लो 500 केजी हम लोगों ने बीट स्ट्रॉ या कॉटन वेस्ट हम लोगों ने तोला, उसके बाद इसकी हम क्या करेंगे इसको आप किसी पक्के सीमेंटेड सरफेस पे इसको रख दीजिए। सीमेंटेड सरफेस पे रखने के बाद इसको आप क्या करोगे कि इसमें 25 केजी आप चिकन मेन्योर जो कि हम लोग बोलते हैं कि आपका नाइट्रोजन का अच्छा इसका सोर्स होता है, इसमें लगभग आपके 2.5 से 3% जो है इसमें नाइट्रोजन होती है। और आपका 7.5 केजी इसमें हम लोग डालते हैं चूना। चूना थोड़ा लेट डालते हैं शुरू में जब हम लोग इसको भिगाते हैं तो चिकन मैन्योर आपका कॉटन वेस्ट इन इन चीज़ों को हम लोग मिक्स करते हैं ठीक। और चिकन मैन्योर और जो है आपका एक ही क्वांटिटी में डलेगी चाहे आपका कॉटन वेस्ट हो चाहे आपका पेडिस्ट्रा मेन सबस्ट्रेट हो। तो इसके बाद जैसे हम लोगों ने 500 केजी कॉटन वेस्ट ले लिया, 25 केजी चिकन मैन्योर उसमें डाल दी, फिर हमने इसको जो है थोड़ा भिगाना है 2-3 दिन तक इसको आप पूरा इसको भिगा लेंगे ताकि इसे पूरा का पूरा ये पानी सोख लेगा। 2-3 दिन के बाद जब आपका ये पूरा का पूरा ये चीज भीग जाएगी, भीगने के बाद इसको आपने इसकी ढेर इसको लगा देना है थोड़ा सा। ढेर लगाने के बाद इसको अगले तीन दिन तक आप इसको लगातार इसको जो है पलटाई इसको दोगे, हर दिन इसको तोड़ोगे फिर ढेर लगा दोगे। जब आपका तीसरा पलटाई होगी उसमें आपने जो इसमें 7.5 केजी उसमें चूना इसमें मिक्स करना है। और फोर्थ डे आप इसको चौथे दिन ऐसा इसको रखो और 5वें दिन आप इसको जो है अपने कमरे में डाल दीजिए। कमरे में ले जाने का मतलब है वहाँ कमरे में आपके रैक्स होते हैं, रैक्स में आप जो है चाहे 20 केजी से लेकर 40 केजी के आप उसमें या बेड बना दें या पूरा का पूरे सेल पे एक ही बेड बना दें और उसकी हाइट जो है आपका लगभग 12-15 सेंटीमीटर उसका जो है उसका रख सकते हैं मोटाई जो है उसके आपके जो बेड है। और उसके बाद इसको आप इसमें जो है रखने के बाद उस कमरे का जो तापमान है वो आप बढ़ाओगे आपका 60-62 डिग्री सेल्सियस आपका 6 से 8 घंटे तक।
छः से आठ घंटे तक आपने इसका तापमान कमरे का इतना रखना है, उसको हम लोग किलिंग टेम्परेचर बोलते हैं, जो कि आपकी उसकी कंपोस्ट जो है उसका पूरा का पूरा वो शुद्धिकरण कर देगा। जब आपका टेम्परेचर इतना हो जाता है तो अगले तीन दिन में आपका 45 से लेके 52 इस रेंज का जो टेम्परेचर है उसमें हम लोग अपने खाद की कंडीशनिंग करते हैं। उसमें पूरे के पूरे जो आपके सूक्ष्म जीव है उसमें उन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ये टेम्परेचर प्रोफाइल बनाया जाता है ताकि वो मित्र जीव जो है उसमें रह पाए। जब आपकी ये प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जाती है तो हम लोग इसका जो कमरे का टेम्परेचर है जब इसको हम लोग कमरे को खोलते हैं तो अपने आप ही लगभग ये आपका 34-35 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान कमरे का रहता है जिसपे हम लोग स्पॉनिंग करते हैं। तो जो हमारा जो इसका आपका इंडोर मेथड है उसमें हम लोग जो स्पॉन का रेट होता है 1.5% वो रहेगा और आपका जो बेड है उसके किनारों किनारों पे ही हम लोग स्पॉनिंग करते हैं। किनारों में और बीच का हिस्सा हम लोग खाली रखते हैं ताकि मसीलियम की ओवर ग्रोथ ना हो जाए। जब आपने स्पॉनिंग कर ली, स्पॉनिंग करने के बाद हम लोग एक पॉलीथीन सीट से उसको पूरा ढक देते हैं, जो बेड है जो स्पॉन किया हुआ बीज डाला हुआ बेड होता है उसको ढक देते हैं। ढकने के बाद जैसे हमने साधारण मेथड में ट्रेडिशनल मेथड में बताया था कि स्पॉनिंग के बाद आप 32-34 डिग्री सेल्सियस इतना सा तापमान आपने उसमें रखना है। इस तापमान की मेजरमेंट के लिए आप एक सिंपल थर्मामीटर भी बेड में लगा सकते हैं ताकि आपका बेड का टेम्परेचर आपको पता हो। तो जब इस प्रकार का जो टेम्परेचर है आप मेंटेन करोगे, आप कमरा जो जब आपका जो स्पॉन किया हुआ कमरा है उसको बंद रखिए और उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बन जाएगी और आपका 7 दिन में पूरा का पूरा जो जाला है वो आपका आपका बेड उसमें भर जाएगा, सफेद जाला जो आपका मशरूम फंगस का होता है। दूसरा एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके जो रैक्स होते हैं वो जाली नुमा होना चाहिए, जो रैक्स है वो पूरा फ्लैट नहीं होना चाहिए क्योंकि जो बॉलबेरेला बॉलबेसिया है वो निचले बेड के निचले हिस्से से भी निकलता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो जब आपका 7 दिन में पूरा स्पॉनिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो आप साधारण मेथड की तरह ही पॉलीथीन सीट को हटाइए और नमी की मात्रा का उसमें थोड़ा अध्ययन कीजिए कि इसमें नमी की मात्रा कितनी है। अगर आपको लग रहा है कि बेड जो है थोड़ा सा जरूर से ज़्यादा ही सूख गया है तो उस मात्रा के हिसाब से आप उसमें थोड़ा सा उसमें बेड के इर्द गिर्द जो है बिल्कुल लाइट स्प्रे पानी का दीजिए और उससे क्या होगा कि आपके जो उसमें पिन हेड बनते हैं, जो कील की जो कैप होती है उसकी तरह के छोटे छोटे मशरूम जो है उसमें से आपके मशरूम बेड से वहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे और इसके बाद 3-4 दिनों में पूरा फुल फ्लेज आपकी क्रॉप जो है आप उससे हार्वेस्ट कर सकते हैं। और आपका सबसे इस मशरूम के लिए सबसे बेहतरीन सबस्टेट और सबसे अच्छी ईल्ड जो है हमने कॉटन वेस्ट पेस की देखी गई है। कॉटन वेस्ट और पेडिस्ट्रा का कम्बिनेशन भी 1:1, एक भाग कॉटन वेस्ट एक भाग पेडिस्ट्रा दोनों उसके भी कम्बिनेशन आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रकार से आप एक अच्छी मतलब पैदावार अपने फसल से ले सकते हैं। और दूसरा एक चीज और मैं बताना आपको चाहता हूँ कि जो एक लाइट का हमारे मशरूम इसके लिए रोल और एक एरेशन का, जब आपने स्पॉरन के बाद जब आपने पॉलीथीन हटाई तो आपको इसको जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 आपके उसमें मशरूम हाउस में होगी तो आपने उसको वेंटिलेशन खोल के थोड़ा एरेशन उसको देना है ताकि उसमें से मशरूम हाउस के अंदर जो सफोकेटेड एटमोसफियर होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी उसको आपने कम करना है ताकि बिल्कुल कूल और प्रॉपर एनवायरनमेंट आपके मशरूम में उसमें हो और आपकी मशरूम का जो फ्रूट बॉडी है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो पाए। क्योंकि अगर CO2 की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा होगी तो आपका विकारित आपकी जो फ्रूट बॉडी है वो उसमें से निकलेगी, तो इस बात का आप ध्यान में रखिए। दूसरा जहाँ तक एक तो बात पैदावार वाली बात होती है, दूसरी बात होती है मुनाफे वाली। ये वाली मशरूम जो है बॉलबरेला बॉलबेसिया पेडिस्ट्रा मशरूम बहुत ही फ़ायदेमंद मशरूम है और जहाँ ये मशरूम पॉपुलर है और अच्छी पैदावार हो रही है, जैसे मैंने उड़ीसा का शुरू में एग्जांपल दिया था, वहाँ पे मिनिमम इसका 1 kg का जो मूल्य है वो आपका 120 रुपये है और इसकी जो 1 kg का जो मूल्य है आपका 200 से 250 तक
हो सकता है, 120 से लेके 250 रुपए तक इसका मूल्य हो सकता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे जो मशरूम है सेहत के लिए भी और हमारे बिजनेस के लिए भी कितना फायदेमंद है। दूसरी बात, इसका जो भी बीज का जो रिक्वायरमेंट है, जो किस्में हैं, वो बिल्कुल आसानी से उपलब्ध है, और हमारे निदेशालय भी हमारे पास भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्पॉन बीज हर चीज़ उपलब्ध है, और जिसको हमारे जो ग्रोज हैं वो परचेज कर सकते हैं। और इसमें 80 रुपीज़ पर केजी स्पॉन का होता है, और आपका 1000 रुपीज़ आपका कल्चर ट्यूब का, इस तरीके के हमारे जो इसके प्राइस है। दूसरा, इस मशरूम के साथ थोड़ा सा मैं फायदे के साथ थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्टी के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बॉल्बेरेला बॉल्बेसिया का जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, तुड़ान करते हैं, तो इसके लिए इमीडिएट मार्केट की फैसिलिटी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो 6-8 घंटे में ही डिटेरियोरेट हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, इसकी क्वालिटी कम हो जाती है। तो या तो हमारे पास मार्केट की सुविधा होनी चाहिए, या तो हमारे पास इसकी प्रोसेसिंग की, चाहे हम लोगों ने इसकी कैनिंग करनी है, या आपने दूसरा प्रिजर्वेशन इसकी लेनी है, और या तो आपने ड्राइंग पर्पज के लिए इसको करना है, पाउडर इसका बनाना है, तो वो सब आपके पास प्री प्लान्ड होना चाहिए कि क्या इसका करना है। क्योंकि आप अगर इसको थोड़ा डिले करेंगे तो आपकी जो इसका मार्केट वैल्यू है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। और दूसरा बात, जो इस फसल की जो स्टेजेज हैं, जैसे आपका स्पोरन का जाले वाली स्टेज है, दूसरा आपका पिनिंग वाली स्टेज है जब आपका कील की कैप की तरह मशरूम निकलना होती है, जब फिर आपकी बटन स्टेज आती है जो वाइट बटन मशरूम जो दूसरा है उसकी तरह होती है, फिर आपका एक एग स्टेज आती है जब आपकी जो हमारे वोल्बरेला वोल्बेसिया की जो ऊपर से कैप होती है वो फट हल्का उसमें क्रैक सा पैदा हो जाता है, और उसके बाद आपका इलोंगेशन स्टेज होती है। इलोंगेशन स्टेज वैसी होती है जैसे आपका जब हमारा जो फ्रूट बॉडी का जो हेड होता है वो पूरा घंटी नुमा हो जाता है, घंटी की तरह होता है, और एक मेच्योर स्टेज होती है जो आपका पूरा अम्ब्रेला की तरह होती है, छतरी की तरह जो हो जाता है। तो इसमें जो आपका बटन स्टेज और एग स्टेज है, ये जो अवस्थाएं हैं मशरूम की, ये बहुत ही जरूर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन अवस्थाओं पर आप जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो जो बाजार है इस बाजार में सबसे ज़्यादा मूल्य इन अवस्थाओं का है। और दूसरा, इसमें न्यूट्रिशन वाइज भी, प्रोटीन कंटेंट वाइज भी आपका बटन स्टेज, आपका जो एग स्टेज है, इलोंगेशन स्टेज है, इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन होता है। और इन अवस्थाओं का ध्यान रखते हुए भी और मार्केट की डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए आप अपनी फसल का तुड़ान कर सकते हैं। और तुड़ान के लिए भी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग फंगस है, और कई बार आपको दो बार भी सुबह और शाम दोनों टाइम ही आपको ये हार्वेस्टिंग इसकी करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल हमारा जो पेडिस्टा मशरूम है बहुत ही प्रॉफिटेबल है, बहुत लाभदायक है, न्यूट्रिशन से भरपूर है, और इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बाजार के हिसाब से भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा है। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।